सूबाई वुजरा मियाँ इस्लाम इकबाल और हसनैन बहादुर दरेशक से पोल्ट्री एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। इस मुलाकात में रमजान में मुर्गी के गोश्त और अंडों की फराहमी के हवाले से मामलात का जायजा लिया गया। मुलाकात का हवाल जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज बताइए। जी, आइंदा रमजान में मुर्गी गोश्त और अंडों की फराहमी के हवाले से जो मामलात का जायजा लिया गया, पंजाब और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक रमजान बाजारों में सरकारी नरखों से मुर्गी का गोश्त 10 रुपए फी किलो, अंडे और 5 रुपए फी दर्जन कम 5 रुपए जो है फरोख करने पर इत्तेफाक हुआ। और इस मौके पर खिताब करते हुए मियां असलम इकबाल ने कहा कि पोल्ट्री एसोसिएशन की अवामी खिदमत के जज्बे को सराहते हैं। हम साल गुज़िश्ता रमजान मुबारक के मुबारक मुकाबले में ज्यादा रमजान बाजार लगाए जाएंगे। पोल्ट्री बरामदात में इजाफे के साथ मुकामी लोगों की जरूरियात का भी भरपूर ख्याल रखा जाएगा। पोल्ट्री इंडस्ट्री के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मुल्की बरामदात बढ़ाना पीटीआई हुकूमत की पॉलिसी में शामिल है। उनका मजीद कहना था कि पोल्ट्री की बरामदात बढ़ाएं, हुकूमत भरपूर तावन करेगी। मुल्क बातों से नहीं कौमी मईशत की मजबूती से चलता है। पीटीआई हुकूमत की काबिशों से कौमी मईशत बुरहान से निकल कर मजबूती की तरफ बढ़ रही है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक और डीजी इंडस्ट्रीज चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जो है वो इस मुलाकात में शामिल थे। जी आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका।